के खट्टे मीठे अचार तो आप खाए ही होंगे, तो बहुत टेस्टी जो लगते हैं। इसे बनाने के लिए हमें कच्चे आमों को चाहिए, तो मैंने ये आधा किलो कच्चा आम लिया है। इसे छील लेंगे हम, फिर उसके बाद छीलने के बाद इसे छोटे छोटे पीस में काट लेना है। काट करके फिर इसे कढ़ाई में मैं भूनती हूँ। और इसके लिए ये चाहिए पंचफोरन, मिर्च, तेज पत्ते और बड़ी इलायची, छोटी इलायची। 250 ग्राम जो है मैंने आम लिया था, तो उसके बराबर मात्रा में गुड़ भी लेना है मुझे। इसमें मैंने डाल लिया है शुद्ध घी, डालने पे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। कढ़ाई गर्म है तो इसमें पहले ये मिर्च डाल देंगे जितने हैं, तेज पत्ते भी डाल देंगे और ये पंचफोरन मैंने लिया है इसे भी डाल देना है। फिर जो आम का आटा है मैंने इसे फ्राई कर लेते हैं और अच्छी तरह से थोड़ा ब्राउन कलर में इसे भून लेते हैं। इससे क्या होता है कि पानी सूख जाते हैं तो काफ़ी दिन तक चलते हैं। आम जो है देखिए ब्राउन होने लगे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के ये ब्राउन पड़ गए हैं। इसमें अब मुझे ये जो मैंने गुड़ रखा था वो डाल देना है ऐसे तोड़ करके, और इसके बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल देना है। ये पानी डाल दिया है मैंने, अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच से थोड़ा कम सफ़ेद नमक और 1 चम्मच भर के काला नमक भी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा धनिया पाउडर वाले, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और मैंने इलायची ली थी 1 बड़ी और 1 छोटी, तो इसे कूट करके इसमें पाउडर बना के डाल देना है। फुल फ्लेम पे ही इसे पकाना है, जब तक एक तार की चाशनी ना हो जाए तब तक इसे ऐसे पकने देंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आम बिल्कुल गल गए हैं, तो अब इसे निकाल लेते हैं। ये चाशनी जो है एक तार की होने लगे तो समझिए बिल्कुल तैयार है। और याद रहे कि इसमें जो है फुल फ्लेम पे ही इसे बनाना है। ये खट्टे मीठे अचार जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसे आप साल भर तक भी खा सकते हैं। इस पे गार्निश के लिए थोड़ा सा ये किशमिश वगैरह डाल दें, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ट्राई करें, और वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।